नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है हमारे चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में। तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में एक बड़ी अपडेट आई है, साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ भी आई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट कि अभी आप लोग जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 18.6 है और अभी का जो नया अपडेट है वो आपका 18.7 आ चुका है। तो इस 18.7 की जो अपडेट है इसमें चार बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें से जो पहला अपडेट है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। जैसा कि आप लोग हमें कमेंट करके पूछते रहते थे कि पोषण ट्रैकर ऐप में अगर हम किसी लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन जो है कि इंग्लिश में ही कर पाते हैं, हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में यानी कि स्थानीय भाषा में नहीं कर पाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उस भाषा में हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे। इस अपडेट के बाद अब आप लोग आसानी से अपने रीजनल लैंग्वेज में जो भी बच्चे हैं या लाभार्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ तीन जो अपडेट आई है उसके बारे में भी चलिए आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे 18.6 का जो वर्जन है उसको अपडेट करना होगा। अपडेट कैसे करना है, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। जैसा कि यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप इसको अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। सभी सेविका बहनें इसको अपडेट ज़रूर कर लें ताकि जो नया अपडेट का जो नया फीचर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप व्हाट्स न्यू में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वर्जन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 18.7 का वर्जन है और ये आज ही अपडेट आया हुआ है, ठीक है। अब आइए ऊपर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर अपडेट जो बता रहे थे आपको कि बहुत ही गुड न्यूज़ है, तो यही अपडेट है। AWW कैन नाउ एड द नेम ऑफ द बेनिफिशरी इन दायर रीजनल लैंग्वेज, यानी कि अब आप अपने स्थानीय भाषा में जो भी लाभार्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो अपडेट है, इन द एक्शन सेंटर आइडेंटिफाई फादर एंड गार्जियन फीचर हैज़ बीन एडेड वेयर AWW कैन सेलेक्टेड वेदर द आधार डिटेल्स इंटर फॉर द चाइल्ड इज आइदर ऑफ द फादर एंड गार्जियन, यानी कि ये अपडेट कह रहा है कि एक्शन सेंटर एक जो अलग फीचर है उसमें आप लोग जो बच्चे के माता के नाम से आधार वेरीफाई है या पिता के नाम से आधार वेरीफाई है वहाँ पे आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, तो ये आपको एक्शन सेंटर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा अपडेट है, द एप्लीकेशन विल रिमेन क्लोज बिटवीन 10 PM टू 7 PM, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है वो 10 बजे से सुबह 7 बजे तक क्लोज कर दिया जाएगा। कोई भी आप लोग वहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो आप लोग वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चौथा अपडेट है, ऐप इज़ नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन गैरो एंड कासी लैंग्वेज, यानी कि इस पोषण ट्रैकर ऐप में और दो लैंग्वेज को ऐड किया गया है। पहले से शायद 20 या 21 लैंग्वेज मौजूद था, उसके बाद यहाँ पे एक दो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप पे चल के आपको इस सारे फीचर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। चलिए इसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है। जब तक ये अपडेट हो रहा है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, जैसे कि जो न्यू अपडेट आया है जिसमें कि हम लोग किसी भी लैंग्वेज में उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसी की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी एक कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि गर्भवती महिला का ही कैटेगरी ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाम ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा गया है नेम इन योर लैंग्वेज, यानी कि आप अपने स्थानीय भाषा में इस गर्भवती महिला का या जो भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका यहाँ पे आप लोग स्थानीय भाषा में नाम ऐड कर देंगे, वही नाम आपका जो है कि जो डैशबोर्ड है वहाँ पे दिखाएगा, यानी हिंदी में भी आपका नाम दिखाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज भी में भी आपका नाम दिखाएगा, जिससे कि आप लोग आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम नाम लिखते हैं, ठीक है, हमने अपना नाम लिखा है और यहाँ पे हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे जो अपना लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे कि आप हिंदी में लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं, बांग्ला में लिख सकते हैं, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमने अपना नाम ही लिखा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नाम है वो हिंदी में लिखा हुआ आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे जो अपना रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में नाम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला अपडेट हुआ। चलिए अब दूसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अपडेट जो है आपका एक्शन सेंटर जो बनाया गया है, कार्रवाई केंद्र, इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले से यहाँ पे ये सब फीचर जो है वो मौजूद था, लेकिन यहाँ पे एक और फीचर को ऐड किया गया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिफाई फादर या गार्जियन आधार। यहाँ से आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि जिस लाभार्थी का या जिस बच्चे का हमने आधार वेरीफाई किया है वो आधार किसके नाम से है, माता के नाम से है, पिता के नाम से है, उसको हम लोग पहचान कर सकते हैं, या फिर कुछ चेंजेज वगैरह भी करना हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अदिति कुमारी है, इसका जो आधार है वो फादर या गार्जियन किसके नाम से है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे चेंजेज वगैरह करना है तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम दिखाएगा और यहाँ पे आधार नंबर दिखाएगा, तो आप लोग इसको पहचान कर सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड्स फादर दिखा रहा है, यानी कि बच्चे के पिता के नाम से आधार वेरीफाइड है, या फिर यहाँ पे गार्जियन दिखा रहा है, तो अगर गार्जियन के नाम से आधार वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को ये डिटेल्स देखने को मिलेगी। हालांकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि ये किस प्रकार से करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की ओर। जो तीसरा अपडेट है आपका यहाँ पे जो बता रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो 10 बजे से लेके 7 बजे सुबह तक बंद रहेगा, यानी कि 10 बजे के बाद आप कोई न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। चौथा जो अपडेट है, जैसा कि दो लैंग्वेज को और ऐड किया गया है, यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मोर वाले पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद भाषा चुनने पर क्लिक करेंगे कि जितने भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। जैसे कि पहले टोटल 22 लैंग्वेज था, उसके बाद यहाँ पे दो और लैंग्वेज को ऐड किया गया है, गैरो और कसरी। तो बाकी यहाँ पे जितने भी भाषाएं हैं उस भाषा में आप लोग अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जो लाभार्थी हैं उनका न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप की ये 18.7 की अपडेट आई थी, जिसके बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने आपको जानकारी दे दी है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। डीके टेक्निकल ग्या के तरफ से पूरी सपोर्ट की जाएगी आपको उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।